पेशाब करना आखिर कौन सा अपराध? ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेतुका बयान। पेशाब कांड में पीएम मोदी और सीएम शिवराज को दे दिया सीधा जवाब। दोस्तों, पेशाब करना भी क्या कोई अपराध होता है? अगर कोई व्यक्ति पेशाब कर दे तो क्या भाई उसके ऊपर कोई धारा लगा दी जाएगी? ये तो गलत है ना भाई। पेशाब करना तो मौलिक अधिकार है, ये कोई जुर्म थोड़ी ना है। जो किसी को जेल में डाल दोगे या उसके खिलाफ कार्रवाई कर दोगे या उसके घरों पर बुलडोजर चला दोगे। दोस्तों, आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी विधायक के कथित प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी पर पेशाब करने के मामले में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज का बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने पूछा है कि पेशाब करना कौन सा अपराध है, पेशाब करने पर कौन सी धारा लगती है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित दशमत रावत के नशे में होने पर भी सवाल उठाए हैं। एक स्थानीय न्यूज चैनल को बयान देते हुए कुलदीप भारद्वाज ने कहा है कि पेशाब करना कौन सा अपराध है, कौन सी धारा लगती है, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि 3 जुलाई को मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी नेता और सीधी विधायक का कथित प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला दशमत रावत नाम के एक आदिवासी पर पेशाब करता हुआ दिख रहा था। बता दें कि ये मामला साल 2020 का है। आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ NSA लगाने और उनके पिता, चाचा और दादी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने सोमवार 10 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद वो कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कलेक्टर से मिलने का समय नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने एक गधे की तस्वीर के साथ ज्ञापन की कॉपी को दीवार पर चस्पा कर दिया। दोस्तों, एक तरफ ब्राह्मण समाज एक साथ आकर आरोपी प्रवेश शुक्ला का समर्थन कर रहा है, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रवेश शुक्ला ने कौन सा अपराध कर दिया है, क्या पेशाब करना भी कोई अपराध होता है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित आदिवासी के पैर धोकर अपना प्रायश्चित कर रहे हैं, आदिवासी वोट बैंक को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एक वोट बैंक जो है वो खतरे में आ गया है। जी हाँ, वोट बैंक है ब्राह्मण वोट बैंक। लेकिन सवाल यहाँ राजनीति का नहीं है दोस्तों, सवाल इस बात का है कि कुलदीप भारद्वाज जैसे लोग जो एक अपराध के लिए इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसानियत को भूल चुके हैं, क्या उनके खिलाफ सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदिवासी समाज को आगे लाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की घटिया अपराध उनके साथ हो रहे हैं, खुलेआम लोग अपराध का साथ दे रहे हैं, क्या अभी भी सरकार को चुप रहना चाहिए? दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।